हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मयूर और ये लेसन उन लोगों के लिए है जिनको पिछले लेसन में ये नहीं समझ आया था कि बीट कैसे कैच करना है, कैसे किसी भी सॉन्ग के बीट को हम समझें और ये जानें कि वो कौन सा है, क्या टाइम सिग्नेचर है। कई लोगों के क्वेश्चन आए थे उसके बाद, लेसन के बाद, कि इस वाले सॉन्ग में हमें नहीं पता चल रहा, इस वाले सॉन्ग में नहीं पता चल रहा, क्योंकि एग्जाम्पल के साथ मैंने नहीं बताया था। मुझे उस लेसन में ही बताना चाहिए था एग्जाम्पल के साथ, बट मेरी गलती है। ये लेसन उन्हीं के लिए है जिनको समझ नहीं आया था कि किस तरह हम कैच करें, तो मैं आपको विद एग्जाम्पल थोड़ा सा बता रहा हूँ, आपको शायद समझ आएगा। मुझे पार्टिकुलर दो तीन सॉन्ग्स के लिए किसी ने बोला था, तो उनको मैं ये बताना चाहूँगा। उन्होंने दो तीन गाने बोले थे, एक तो था पंछी नदिया पवन के झोंके, और उसी मूवी के दो तीन गाने से मैं अभी निकालता हूँ और फिर हम लोग थोड़ा सा बात करते हैं। एक सेकेंड, ये रिफ्यूजी मूवी जो थी इसके थे गाने, तो ये सॉन्ग मैं आपको प्ले करके उनके साथ कोशिश करूँगा बताने की। देखिए, उन्होंने जो सॉन्ग्स बोले थे, मुझे जो ध्यान है उसे दो दो सॉन्ग्स का मुझे ध्यान है। इन दो सॉन्ग की बात करते हैं, इसमें एक तो है आपका पंछी नदिया। अब आप ध्यान से सुनिएगा, वॉल्यूम, वॉल्यूम थोड़ा कम है मुझे। आप सुन पा रहे हैं सॉन्ग? और मैंने क्या पाया, पंछी नदिया पवन। अगर आप रिदम को या सॉन्ग को इस तरह से एंजॉय कर पाते हैं, अगर इस सॉन्ग की मैं बात करूं, तो ये सॉन्ग तो पूरा ही अपने आप में रिदम को शो कर रहा है। इसमें जो जो चीजें बज रही हैं वो सब रिदम के साथ चल रही हैं। देखिए, पंछी नदिया पवन के झोंके, पंछी नदिया पवन के झोंके। तो इसका तो मुझे बहुत इजी लग रहा है। खैर, आपको मैंने बोला था कि जहाँ बीट जोर से सुनाई दे, मीन्स इसमें जो जो रिदम, जो बीट चल रही है, जो ट्यून चल रही है, वो भी रिदम के साथ चल रही है। आप समझ रहे हैं? नदियाँ तुम पवन के झोंके, फिर क्या होता। देखिए ये रिदम, ना इसमें साफ साफ सुनाई दे रहा है। आपको इतना सही गाने को समझना है, तो अगर आपने इसके साथ मैच कर लिया तो यही आपका रिदम है। ठीक है, अब मैं इसका दूसरा सॉन्ग ऐसा लगता है ये वाला निकाल रहा हूं। इसका थोड़ा साउंड वॉल्यूम ठीक है, ध्यान से सुनिए। बहुत इजी है। साफ सुनाई दे रहा है ये सारा कुछ। तो जो मैं कर रहा हूं गाने के साथ, आप उसे समझ पा रहे हैं, वो आपको समझना है। ये रिदम, अब दिल मेरा खोने को है, वरना दिल क्यों धड़कता। देखिए इसमें साफ,
मैं रुक रुक के बीच में दिखा रहा हूँ आपको। होने को है ऐसा लगता है, दिल क्यों धड़कता, नींद मेरी क्यों उड़ जाती। तो ये गाने तो बहुत मुझे सिंपल लगते हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि कुछ गाने थोड़े कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, रिदम पकड़ना उसमें मुश्किल हो सकता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। बट अभी आप बेसिक से शुरू करेंगे तो आप वो भी समझ पाएंगे। सिंपल सॉन्ग को पहले अपना समझिए, और जब आप उसे समझ जाए रिदम को, तो आपका एक सॉन्ग वो पक्का हुआ, वही दूसरे पर अप्लाई करिए। हो सकता है उसमें आप एकदम से ना पकड़ पाए रिदम, लेकिन वो आपके लिए फिर चैलेंज होगा, आप फिर उसे करिए। इसी तरह आप वो एडवांस सॉन्ग जो हैं, जो टफ है, जिनमें रिदम ढूंढना, वो भी कर पाएंगे। तो तीन रिदम मैंने बेसिक सबसे पहले जो बताए हैं, सबसे ज़्यादा तो 4 बीट ही है, ये भी 4 बीट में ही चल रहे हैं सारे, ठीक है। तो आपको क्या करना है, 4 बीट सबसे पक्का कर लीजिए। और मैंने जो स्ट्रमिंग पैटर्न का एक लेसन किया था, उसमें 3 रिदम मैंने सिखाए थे, उन 3 में आपके सारे सॉन्ग हो जाएंगे। तो अगर आप उनको समझना चाहते हैं तो वो भी देख सकते हैं। तो ये रिदम की जो बात है, बीट की जो बात है, ये सिर्फ गिटार प्लेयर के लिए नहीं है, सिंगर के लिए नहीं है, ये सभी म्यूजिशियंस के लिए है। कुछ गाने हैं जो आपको थोड़े कॉम्प्लिकेटेड लग सकते हैं, बट आप पहले वो वाले ना करें, पहले बेसिक से शुरू करें और अपनी चीज़ को देखें। जो तरीका मैंने बताया उसे अप्लाई करके देखें। अगर आपने एक किसी भी, चाहे बेसिक पे चाहे बिल्कुल ईजी पे अप्लाई किया, लेकिन आपको ये तो सबसे पहले पता लगना चाहिए कि क्या वो अप्लाई कर पा रहे हैं, आप समझ पा रहे हैं, ढूंढ पा रहे हैं वो बीट, जो एक बीट होता है जो सबसे जोर से आता है, या जो भी मैंने उसमें डिटेल में बताया वो आप देखें तो आपको समझ आएगा। तो आपके लिए ज़रूरी है कि किसी भी एक सॉन्ग को करें पहले, फिर ऐसे ही आपको वो अप्लाई करना आएगा, और तब आपके कान भी थोड़े अच्छे होंगे, सुनने की भी जो आपकी जो लेवल है वो अच्छा होगा, ठीक है। ये इसमें प्ले हो रहा है बार बार, मैं सिर्फ, ठीक है। तो आपसे मैं यही कहूँगा कि आप अप्लाई करके देखें, बिल्कुल एडवांस के बारे में बिल्कुल टेंशन ना लें, वो भी आप कर लेंगे, एकदम से नहीं होता। मेरे लिए ये रिदम की प्रॉब्लम इतनी बड़ी थी कि मैंने तबला सीखना शुरू किया था इसकी वजह से, तो आप समझ सकते हैं। ऐसा नहीं है, हम सब इससे गुजरते हैं, और टाइम के साथ वो सारी चीज़ें फिर हम भूल भी जाते हैं कि कितने परेशान हो रहे थे। तो आप पहले बेसिक से शुरू करिए, और फिर धीरे धीरे आपका भी, आपको भी तो कॉन्फिडेंस आएगा जब आप कुछ सॉन्ग्स कर लेंगे। तो एकदम कॉम्प्लिकेटेड पर मत जाइए, अपने को धीरे धीरे एक बेसिक शुरू करिए, फिर थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड, और फिर कोई हेल्प चाहिए तो मैं हूँ। कैसा लगा आपको मेरा ये लेसन, अपना फीडबैक ज़रूर शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।